रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको पकोड़े नान सिखाऊंगी, पकोड़ों के साथ चाय बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है, ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम पकोड़े बनाएंगे। बेसन मैंने घोल लिया है, इसमें मैंने चार छोटे छोटे प्याज शामिल किए हैं बारीक काट के। पालक मैंने शामिल नहीं की, पालक के बगैर भी इसका टेस्ट क्रिस्पी होगा और ये आपके क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। और मैंने टमाटर दो अदर शामिल किए हैं, आलू एक अदर शामिल किया है, उसे भी बारीक काटे हैं। ऑयल गर्म हो चुका था, ये मैंने पकौड़े शामिल कर दिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत कलर है पकौड़ों का। अब मैं इसे लाइट ब्राउन करूँगी पकौड़ों को। अब तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर आ गया इनका। पकौड़े हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम चाय तैयार करेंगे। ये मैंने पतीले में हंसी ज़रूरत पानी शामिल किया है। अब मैं दो अदद इलायची शामिल करूँगी और पानी बॉयल हो जाएगा, बाकी अज़ा बाद में शामिल करेंगे। अब मैं पत्ती शामिल करूँगी, अब मैं चीनी शामिल करूँगी। मैं दूध शामिल करूंगी, माशाल्लाह से हमारे चाय का कलर कितना खूबसूरत आया है। चाय को उबाल आ रहा है, देखें कितना खूबसूरत कलर आया है चाय का। हमारी चाय तैयार हो गई है, अब मैं इनको कप में सर्व करूंगी और आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी पकोड़े और चाय तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आखिर में जो वीडियोस हैं इनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।